अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, आज हमारे किचन में बन रही है खुबानी। हैदराबाद में जो बनती है ना शादियों में, वो खुबानी है। ये रात भर भिगा ली थी मैं खुबानी को, इसलिए ये फूल गई। तो मैं इसको अब साबित खुबानी बना रही हूँ। मैं तो इसको हम इस तरह से बीच से इधर से तोड़ेंगे और इसके जो सीड है ना ये निकाल लेंगे, इसमें डाल देंगे और इसमें डाल देंगे। देखिए, इस तरह से निकाल के एक साइड से निकालेंगे तो ये बीज आसानी से निकल जाएगा और मैं इसमें डाल दूँगी। इसी तरह से मैं सारे सीड्स निकाल लूँगी। देख सकते हैं आप, मैं सारे खुबानी के बीज इसमें से अलग कर ली। अब मैं ये जो पानी है ना, ये पानी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको पकने रख दूँगी। देख सकते हैं आप, हमारा खुबानी को मैं ये जो हम बीज का जो पानी भिगाए थे ना, यही पानी में हम भिगने के लिए जो रखे थे, यही पानी में इसमें पकने के लिए डाल दी। अब मैं इसमें 1 कप शुगर ऐड कर दूंगी। अब ये पकते रहेगा जब तक हम क्या करेंगे, ये इसके जो बीज है ना हम बेलन की हेल्प से फोड़ेंगे और इसको फोड़ के हम पानी में भिगने रख देंगे जब तक ये पक के रेडी हो जाएगा। सिम पे करेंगे थोड़ा सा। हाँ, देख सकते हैं आप, हमारा मीठा बन के रेडी है। अगर आपको इसमें शीरा थोड़ा कम चाहिए तो आप थोड़ी देर और रखिए तो हो जाता शीरा। देखिए, अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ठंडा होने दूंगी मैं। देख सकते हैं आप, हमारा मीठा बन के रेडी है। आप इसको आइसक्रीम के साथ भी खा सकते हैं। मैं मलाई के साथ सर्व कर रही हूँ, ट्राई कीजिए आप लोग भी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।